काटरवारा विधानसभा में हम अभी इस समय मौजूद हैं चिचली ग्राम में, जहां पर आप देख सकते हैं कि पीछे कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। पूरे जिले में एक चर्चा है कि कांग्रेस अगर सबसे ज्यादा कहीं मजबूत दिखाई दे रही है तो काटरवारा में है। अब ये क्यों है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल यहाँ पर बहुत सारे ग्रामीण यहाँ पर कांग्रेस के कार्यालय में आए हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता सुरेंद्र भैया मंजिले भैया, जिनके नाम हम सबको जानते हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि लगभग 23-24 साल का जो आपका संघर्ष था, पार्टी ने आपको विश्वास जताया और अब आपको टिकट दिए, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और जो सेवा की थी उसी का फल है कि गरीब जनता थी क्षेत्र की, गरीब हो, अमीर हो, किसान हो, युवा हो, सबने बहुत आशीर्वाद रूपी सर्वे में नाम दिया था, उसी का प्रतिफल है कि सुनीता पटेल को टिकट मिली। मंजिले भैया ये बताइए कि आप जनता के बीच में जा रहे हैं, कैसा आपको रिस्पांस मिल रहा है, क्या लग रहा है, कैसे आसार बन रहे हैं आपके चुनाव के? मैंने कई चुनाव देखे हैं, पूरा क्षेत्र देख रहा है, जो भी यहाँ विधानसभा में रहते हैं, पहली बार शायद स्वतंत्रता के बाद ऐसा लग रहा है कि सुनीता पटेल नहीं, यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है और जनता जब चुनाव लड़ती है उसी समय ये माहौल जो है उसी समय ये देखा जा सकता है। लेकिन सामने के युवा नेता है, युवा उम्मीदवार है, उनके जो पिता हैं वो विधायक रह चुके हैं और वो जिला पंचायत सदस्य हैं, गौतम पटेल सामने से हैं बीजेपी से, एक निर्दलीय उम्मीदवार भी सुनीता पटेल के नाम से मैदान में उतार दिया गया है, तो बड़ी कहीं ना कहीं एक कसमकस का माहौल भी है। ये कमजोर लोगों की हताश का प्रतीक्षा है कि नकली सुनीता पटेल को वो ला रहे हैं, तब पूरे क्षेत्र को पता है और जिन लोगों ने खड़ी करी है नकली सुनीता पटेल, उन्हें भी पता है कि असली सुनीता पटेल क्या है, और जो सब लोग समझ जाएंगे 28 तारीख को असली असली रहता है, ये नकलियों के काम नहीं चलेंगे। और जो धर्म अधर्म की लड़ाई है इस बार, कैसे धर्म अधर्म की लड़ाई, कैसे ये धर्म एक तरफ वो है, ये जनता तय करेगी कि जिनने सेवा की है वो धर्म कहलाता है या जिनने जो भी काम किया है वो जनता के सामने है। मुझे कहने का जरूरत नहीं है कि 10 साल वो लोग रहे सत्ता में उन्होंने क्या किया है, एक एक चीज छिपी नहीं है। और हम लोगों ने बगैर पद के इस 10 वर्षों में जनता की क्या सेवा की है वो सब चीज जनता के सामने हो। मैं जनता से अपील करता हूँ, भाजपा के लोग आए तो उनके 10 वर्ष का हिसाब लें कि 10 वर्ष आपने क्या किया है। नहीं नहीं, सामने से युवा नेता गौतम पटेल है, उनको कैसे लेते हैं आप? नहीं, कोई नहीं, बहुत कमजोर नेता है जी, भाजपा में एक से एक मजबूत नेता थे, लेकिन आजकल पैसों की दम पे भाजपा में टिकटें दी जा रही हैं। क्षेत्र का नेता कैसा हो? जी जी, इनकी पैसे के दम से ही इन्होंने टिकट ली है, पूरा क्षेत्र जानता नहीं तो एक से एक प्रतिभा, क्या जरूरत थी उनको अपने लड़का को टिकट दिलाने की? एक से एक प्रतिभाशाली लोग भाजपा में थे, जो भी जीवन उनका गुजर गया उन लोगों को मोना। अच्छा, आपके साथ बहुत सारी पब्लिक है, बहुत सारा आपके साथ गाटरवारा का बहुत सारा मतदाता है, युवा आपके साथ है, तो अगर मान लीजिए आप विधायक बनते हैं तो इन सबको फिर कैसे आप मैनेज करेंगे? बहुत सारा अगर आपके साथ जन आशीर्वाद रहेगा तो उन सबकी आपको जो आशा है उनको पूरी भी तो करनी पड़ेगी, कैसे करेंगे? मुझे पूरा आभास है क्योंकि 24 साल से हम वो लोग हैं जो जमीन से निकल के आए हैं, जमीनों पे हम रह के हमको एक एक चीज हमने देखी है कि लोगों को क्या मुसीबत है, क्या चाहिए। हम ऊपर से किसी के पैसे में या किसी की सिफारिश से राजनीति नहीं की, एक एक दिन हमारा जनता के बीच में गुजरा, उनकी पूरी समस्याओं से बापे खू, एकदम से किसी की पूरी समस्या कोई नहीं कर सकता पूरी, लेकिन ये युवा है वो इसलिए नहीं है कि इनको कुछ जरूरत है, युवाओं को जरूरत है, लेकिन युवा इसलिए साथ में है वो अच्छा प्रतिनिधि चाहते, इस क्षेत्र की अच्छे हाथों में बागडोर चाहते। अच्छा, ये बताइए कि मंजिले पटेल सुनीता भैया को लोग वोट क्यों करें, क्या खासियत है उनके पास? खासियत ये है कि बिना पद के 20 वर्षों से जो सेवा कर रहे हैं, विधायक जितनों काम करवा से जब पूरे क्षेत्र जाना था उतना तो काम तो हम बिना पद के करवाओ है, पूरे क्षेत्र की जनता है पता है, और वो ही आशा इस वो इस क्षेत्र को जनता को विश्वास है कि बिना पद के जो आदमी इतना काम करवा सकता है, पूरे क्षेत्र की जनता का भाव है। मैं सुबह से शाम तक
सुनीता पटेल के और मैं दोनों मिलकर काम करवाते हैं, तो लोगों को पता है जब बिना पद के करवा सकता है, जिसके हाथ में पावर रहेगा वो क्यों नहीं करवाएगा। अच्छा ये बताइए कि पिछले दो बार चुनाव में तो आप निर्दलीय खड़े हुए थे, इस बार कोई भी कांग्रेस पार्टी का जो नेता है, चाहे साधना सपा को हो चाहे मनीष राय हो और अन्य नेता जो हैं, वो निर्दलीय खड़े नहीं हुए। कांग्रेस पार्टी आपको सपोर्ट करी इस बार जो नेता है? पूरा सपोर्ट कर रही है जे कांग्रेस का ही, जे कांग्रेस जे है कार्यकर्ता है वहाँ कांग्रेस है, नेता भी है साधना स्थापक जी, मनीष राय जी, साधना स्थापक जी, मनीष राय जी, जितने भी नेता हैं कांग्रेस के पूरा साथ दे रहे हैं। कोई कहीं किसी क्षेत्र में घूम रहा है, यहाँ पे पूरे वरिष्ठ नेता भी हैं, पूरी चिचली के एक एक कार्यकर्ता, हम सब लोग बहुत छोटे हैं, कार्यकर्ता सबसे बड़ी ताकत है, उसके साथ कार्यकर्ता है, उसके साथ सब कुछ। कितने वोटों से जीत लग रही है आपको? जे मुझे मालूम नहीं, जनता बताएगी। अच्छा, मध्य प्रदेश में सरकार बन रही है कांग्रेस? बिल्कुल 100%। कितनी सीटें मिलेंगी? सीटें इतना आवास नहीं है, लेकिन मैं नरसिंहपुर जिले की बता सकता हूँ, बस पूरी एक तरफा कांग्रेस के नेता विश्वास नहीं कर सके, इतनी सीटें आ रही हैं। अच्छा नरसिंहपुर में क्या होगा? नरसिंहपुर में कांग्रेस जीतेगी।